ये कहानी परी देश में रहने वाली तीन परी बहनों की है। तीनों परी बहनों का कद बहुत छोटा था, जिस वजह से उनके कॉलेज में पढ़ने वाली दूसरी परियां हमेशा उन तीनों बहनों को परेशान किया करती थी। इसी तरह एक दिन तीनों बहनें पिकनिक मनाने नदी के किनारे जाती हैं। अरे वाह, इस नदी का पानी तो बहुत ही साफ है। इस पानी में उतरकर नहाने में बहुत मजा आएगा। चलो पानी के अंदर चलते हैं। उसके बाद तीनों बहनें नदी में उतरकर नहाने लगती हैं। तभी मीनाक्षी नाम की परी अपनी सहेलियों के साथ नाव पर सवार वहां आ जाती है। जरा इन तीनों बौनी बहनों को देखो, ये तीनों नदी में नहा रही हैं। चलो इन तीनों को परेशान करते हैं। उसके बाद मीनाक्षी और उसकी सहेलियां मछली पकड़ने का कांटा फेंककर उन तीनों बहनों की चोटियों को जकड़ लेती हैं। फिर वो सभी परियां तीनों बहनों को हवा में उड़ाकर वहां से उछालने लगती हैं। मुझे बहुत डर हो रहा है। अरे मीनाक्षी, क्या कर रही हो? अरे कोई बचाओ हमें। उसके बाद मीनाक्षी और उसकी सहेलियां तीनों बहनों को नदी के किनारे पटक देती हैं। तीनों बहनें बुरी तरह घायल हो जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। ये देख मीनाक्षी और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसना शुरू कर देती हैं। अगर दोबारा तुम तीनों इस नदी में नहाने आए तो हम तुम्हें डुबाकर जान से मार देंगी। चलो भागो यहाँ से। उसके बाद तीनों बहनें रोती हुई वहां से चली जाती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी परी मिलती है। अरे तुम तीनों तो बुरी तरह घायल हो, आखिर तुम तीनों की ये हालत कैसे हुई? हमारी क्लास में पढ़ने वाली परियों ने हमारी ये हालत की है। हम तीनों का शरीर छोटा है, इस वजह से हमारी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियाँ हमेशा हम तीनों को परेशान करती हैं। इस छोटे शरीर की वजह से हम तीनों उनसे लड़ भी नहीं सकती। अरे ये तो तुम तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ। इस छोटे शरीर की वजह से सच में तुम तीनों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम तीनों की मदद करूंगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो बूढ़ी परी तीनों बहनों को अपने घर ले जाती हैं। ये मेरा क्लासरूम है, मैं यहाँ गरीब और परेशान परियों को तरह तरह के जादू सिखाकर उनकी मदद करती हूँ। आज से मैं तुम तीनों को शरीर के आकार को बड़ा करने वाला जादू सिखाऊंगी। उसके बाद तुम तीनों आसानी से अपने शरीर का आकार बढ़ा कर सकोगी और कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। बूढ़ी परी की ये बात सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। और फिर इस दिन से बूढ़ी परी तीनों बहनों को शरीर बड़ा करने वाला जादू सिखाना शुरू कर देती हैं। फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में तीनों बहनें पूरी तरह जादू सीख लेती हैं। अब तुम तीनों सारे मंत्र सीख चुकी हो, लेकिन शरीर बड़ा करने के लिए तुम तीनों को एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उसे गर्म करना होगा। उसके साथ ही तुम तीनों को मेरी सिखाई हुई मंत्र भी पढ़ने होंगे। मंत्रों के असर से पानी का रंग लाल हो जाएगा, फिर तुम तीनों उस उबलते हुए पानी में मुर्गियां डाल देना। मुर्गियों को पानी में डालने से क्या होगा परिया आंटी? बर्तन में मौजूद लाल रंग का पानी उन तीनों मुर्गियों को जादुई बना देगा। उसके बाद तुम तीनों मुर्गियों को खा लेना, फिर तुम तीनों का शरीर बड़ा हो जाएगा और साथ ही तुम तीनों के अंदर बहुत ताकत भी आ जाएगी। फिर तुम्हारी कॉलेज की परियां तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगी। बूढ़ी परी की ये बात सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और इसका शुक्रिया अदा कर अपने घर चली जाती हैं। फिर उसी रात वो तीनों बूढ़ी परी के बताए हुए विधि का पालन करते हुए तीनों मुर्गियों को लाल रंग के पानी में डालकर पका देती हैं। उसके बाद वो तीनों मुर्गियों को पूरी तरह खा जाती हैं। देखते ही देखते तीनों बहनों के शरीर का आकार बड़ा हो जाता है। ये देख तीनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर अगले दिन जब वो तीनों कॉलेज पहुंचती हैं, तब मीनाक्षी और उसकी सहेलियां कुछ गरीब परियों को परेशान कर रही थी।
ये देख तीनों परी बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो तीनों मीनाक्षी और उसकी सहेलियों की पिटाई करने लगती हैं। अरे मर गई रे, मेरे दांत टूट गए। अरे अचानक इन तीनों बहनों के शरीर का आकार इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे इनके शरीर के साथ साथ इनकी ताकत भी बढ़ गई है। हमें इन तीनों से माफी मांगकर अपनी जान बचानी चाहिए। फिर मीनाक्षी और उसकी सहेलियां तीनों बहनों के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगती हैं। अगर आज के बाद तुम सबने किसी को परेशान किया तो हम तीनों बहनें मिलकर तुम सभी को मार कर जंगल के कुएं में फेंक देंगी। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथों की मार खाकर हमें हमारा सबक मिल गया है। आज के बाद हम कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगी। उस दिन से मीनाक्षी और उसकी सहेलियां पूरी तरह सुधर जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और तीनों बहनें बेफिक्र होकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। धर्मपुर नाम के गांव में पीयूष नाम का एक गरीब अनाथ लड़का रहता था। पीयूष सड़कों पर घूमकर पुराना सामान इकट्ठा करके उन्हें बेचा करता था। इसी काम से पीयूष का गुजारा चलता था। फिर एक दिन पीयूष कचरा चुनते हुए गार्डन के पास पहुंच जाता है। उस गार्डन में प्रियंका नाम की एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ अपना बर्थडे मना रही थी। सामने बहुत ही बड़ा केक रखा हुआ था। फिर पीयूष वहां जाकर उन लड़कियों को देखने लगता है। तभी एक लड़की की नजर पीयूष पर पड़ती है। अरे ये भिखारी लड़का हमारे बीच में क्या कर रहा है? मुझे तो ये शक्ल से चोर दिखाई देता है। जरूर ये हमारा सामान चोरी करने आया होगा। चलो इसे मारकर भगा देते हैं यहाँ से। नहीं नहीं दीदी, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बस यूं ही आप लोगों के बर्थडे मनाते हुए देख रहा था। मैं इस तरह के लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। ये गरीब बनकर लोगों के यहाँ चोरी करते हैं। इसने हमारा कोई सामान चुराया होगा। चलो इसकी तलाशी लेते हैं। फिर वो सभी लड़कियां जबरदस्ती पीयूष की तलाशी लेने लगती हैं। तभी उसकी जेब में 100 रुपए का नोट मिलता है। देखा, मैंने कहा था ना ये चोर है। ये देखो, इसने किसी के पास के 100 रुपए चुराए हैं। नहीं नहीं, ये पैसे मेरे हैं। लाओ मुझे मेरे पैसे वापस करो। लेकिन वो लड़कियां उसकी एक नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मारकर वहां से भगा देती हैं। बेचारा पीयूष रोता हुआ चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरह गरीब और अनाथ होने की वजह से सभी लोग बेचारे पीयूष को हमेशा परेशान किया करते थे। फिर एक दिन पीयूष कहीं जा रहा था, तभी सड़क के किनारे उसे एक रोती हुई छोटी बच्ची दिखाई देती है। पीयूष उस बच्ची की माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। लगता है कोई जानबूझकर इस बच्ची को यहाँ छोड़ गया है, लेकिन मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, वरना ये बेचारी भूख से बिलबिलक कर मर जाएगी। इस तरह पीयूष को उस बच्ची पर तरस आ जाता है और वो उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से आगे ले चलता है। अगले दिन पीयूष उस बच्ची को अपने पेट पर बांधकर सड़क के किनारे से कचरा उठा रहा था। तभी उस कूड़े के ढेर में एक पुराना चूल्हा दिखाई देता है। उत्सुकतावश पीयूष उस चूल्हे को उठाकर देखने लगता है। अरे वाह, ये चूल्हा तो ठीक लगता है। इसे अपने साथ ले जाता हूँ। कल से मैं इस पर खाना पका कर खाया करूँगा। तभी उस चूल्हे से आवाज आती है। हेलो प्यारे लड़के, कैसे हो तुम? मैं एक जादुई चूल्हा हूँ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो मैं तुम्हें मिल गया। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें जो भी खाने की इच्छा हो मुझे बता देना। मैं पलक झपकते ही तुम्हारा मनपसंद खाना तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। ये सुनकर पीयूष बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये छोटी बच्ची तो मेरे लिए बहुत लक्की है। इसके आते ही मुझे जादुई चूल्हा मिल गया। आज के बाद मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर उस दिन से पीयूष को रोज उसका मनपसंद खाना खाने को मिलने लगता है। दूसरी तरफ पीयूष आसपास के इलाके में रहने वाले गरीब बच्चों को
इकट्ठा करके उन्हें पेट भर खाना खिलाया करता था। लेकिन फिर एक दिन एक मोटे लालची आदमी की नजर पीयूष के जादुई चूल्हे पर पड़ती है। अरे ये जादुई चूल्हा तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन इस बेवकूफ लड़के को कैसे मिल गया और इसने फायदा उठाना नहीं आता। इस लड़के के पास से मुझे इस चूल्हे को चुराना होगा, उसके बाद मैं इस चूल्हे से स्वादिष्ट खाना प्रकट करके बेचना शुरू कर दूंगा। फिर कुछ ही दिनों में एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन जाऊंगा। फिर रात होते ही वो आदमी जादुई चूल्हे को चुराने पीयूष के घर पहुंच जाता है। उस समय पीयूष और वो छोटी बच्ची दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मोटा आदमी जल्दी से चूल्हे को उठाकर वहां से भागने लगता है। ओ मुझे चुरा कर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लालची आदमी, ठहर जा अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। उसके बाद जादुई चूल्हे के अंदर से ढेर सारी जलती हुई कोयले बाहर निकलकर उस मोटे आदमी के ऊपर गिरने लगते हैं। अरे मर गया रे, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, कोई इस आग को बुझाओ। तभी उसे पास में कीचड़ से भरा एक गड्ढा दिखाई देता है। मोटा आदमी अपनी जान बचाने के लिए उस कीचड़ में कूद जाता है। इस तरह उस मोटे आदमी को उसके किए का फल मिल जाता है। उसके बाद वो मोटा आदमी जादुई चूल्हे के डर से हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ वो जादुई चूल्हा वापस पीयूष के घर पहुंच जाता है और उसके साथ रहकर उसकी मदद करने लगता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के ऊपर लगने वाली लिपस्टिक को जो भी लड़की लगाती थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती थी। लेकिन वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ बहुत ही घमंडी था। उसके चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी। वो पेड़ सिर्फ राजकुमारियों और रानियों को ही अपनी जादुई लिपस्टिक देता था। जब भी वहाँ कोई साधारण लड़की आती तो वो पेड़ उससे डांटकर वहाँ से भगा देता था। फिर एक दिन कंचन नाम की लड़की जादुई पेड़ के पास आती है। कंचन बहुत ही बदसूरत और गरीब थी। उसे देखकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आता है। तू कौन है लड़की और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तेरी बदसूरत शक्ल एक पल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चल भाग यहाँ से। मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ जादुई पेड़। जैसा कि तुम देख रहे हो मैं बहुत बदसूरत हूँ, इस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो पहली नजर में ही मुझे रिजेक्ट कर देता है और चला जाता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत दुखी हैं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम मुझे अपनी एक जादुई लिपस्टिक दे दो जिसे लगा कर मैं खूबसूरत बन जाऊं ताकि मेरी शादी हो सके। नहीं नहीं, मैं तुझे लिपस्टिक नहीं देने वाला, अपनी लिपस्टिक रानी और राजकुमारियों को देता हूँ मैं। कंचन जादुई पेड़ के सामने बहुत मिन्नती करती है, लेकिन उस घमंडी जादुई पेड़ को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की घोड़े पर सवार होकर आती है। मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा राज्य यहाँ से बहुत दूर समुन्दर किनारे है। मैं तुमसे जादुई लिपस्टिक लेने आई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जितनी चाहिए उतनी लिपस्टिक दे सकता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ अपनी चारों तरफ बनी दीवार को गायब कर देता है। उसके बाद वो लड़की पेड़ से ढेर सारी लिपस्टिक तोड़कर वहाँ से जाने लगती है। अगर मैं इस राजकुमारी को मेरी परेशानी बताऊं तो शायद इससे मुझ पर तरस आ जाए और ये मुझे एक जादुई लिपस्टिक दे दे। ये सोचकर कंचन अपनी साइकिल से उस लड़की का पीछा करने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो लड़की अपने घोड़े के साथ जंगल में बनी गुफा के अंदर चली जाती है। कंचन भी अपनी साइकिल लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर लेती है।
लेकिन तभी अचानक वो खूबसूरत लड़की एक बूढ़ी जादूगरनी में बदल जाती है और अपने साथ लाई हुई सारी लिपस्टिक को निकाल कर अपने होठों पर लगा लेती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी जादूगरनी के सफेद बाल पूरी तरह काले हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जादुई पेड़ तो सच में बहुत शक्तिशाली है। मैं कल सवेरे उसे काट कर अपनी गुफा में ले आऊंगी। उसके बाद उसे जलाकर उसे राख इकट्ठी कर लूंगी। फिर मैं रोज उस राख को पानी में मिलाकर नहाया करूंगी। उसके बाद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। उस बूढ़ी जादूगरनी की बातें सुनकर कंचन दंग रह जाती है। अरे नहीं, ये तो एक धोखेबाज बूढ़ी जादूगरनी निकली। मुझे इसी वक्त उस जादुई पेड़ को जाकर सब कुछ बताना होगा। उसके बाद कंचन फौरन जादुई पेड़ के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है। लेकिन जादुई पेड़ कंचन की किसी बात पर यकीन नहीं करता। उसे डांट डपट कर वहां से भगा देता है। बेचारी कंचन दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह वो बुरी जादूगरनी अपने हाथ में एक बड़ी सी जादुई कुल्हाड़ी लेकर जादुई लिपस्टिक के पेड़ को काटने पहुंच जाती है। उसे देख वो जादुई पेड़ घबरा जाता है। अरे नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ। उस लड़की ने तो बिल्कुल सही कहा था। अब मैं क्या करूँ, ये बुरी जादूगरनी मुझे काट कर अपने साथ ले जाएगी। लेकिन तभी अचानक वहाँ कंचन आ जाती है और पेट्रोल से भरे गुब्बारे जादूगरनी के ऊपर फेंकने लगती है। कंचन अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल उठा लेती है। अगर तूने इस पेड़ को कोई नुकसान पहुँचाए तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तू मेरी ताकत के बारे में नहीं जानती लड़की, लगता है तुझे अपनी शक्ति का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर जादूगरनी कंचन की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये देख कंचन लपक कर जादुई कुल्हाड़ी को उठा लेती है। उसके बाद कंचन जादुई कुल्हाड़ी से एक एक कर जादूगरनी के दोनों हाथ काट देती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। अभी तो सिर्फ तेरे हाथ कटे हैं, तू यहाँ से भाग जा वरना मैं तेरी गर्दन काट कर तुझे जान से मार दूंगी। कंचन की बात सुनकर जादूगरनी डर के वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो जादुई पेड़ कंचन से अपने किए की माफी मांगकर उसे ढेर सारी लिपस्टिक की शीशियाँ दे देती है। ये देख कंचन बहुत खुश होती है और लिपस्टिक लगाकर परी की तरह खूबसूरत बन जाती है। फिर कंचन की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।